दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई भी प्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आप दूसरे तरफ देख सकते हैं कि सरकार का एक दल, राजनेता, मंत्री समेत कई कार्यकर्ता यहाँ पे कांग्रेस के पहुँचे हैं और ये लोग केंद्र सरकार को घेरने का कोशिश कर रहे हैं। कृषि आप किसान के बारे में इतना मिलकर काम कर रहे हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन झारखंड के जो मजदूर किसान हैं, उनके जो बेटे हैं सरकारी नौकरी के लिए अर्जी लगाए हुए हैं, वो भी यहाँ पर धरना कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कब मिलेगी, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी होगी? यहाँ पर आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं दाएं बाएं सब तरफ लगातार वो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ की सरकार क्यों नहीं सोचती और उनका साथ अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा आपके जैसे नेताओं को? नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं लोकल खबर। पूरे देश भर में कृषि बिल को लेकर के किसान आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में रांची, झारखंड की राजधानी रांची में भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ सुरेश बैठा कृषि कानून को लेकर के मोर्चा निकाले, तो दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि मांडर विधायक बंधु तिर्की ने भी ये मोर्चा निकाला है और कृषि बिल के खिलाफ आप देख सकते हैं कि एक जन आंदोलन यहाँ पे निकाला गया है। आज मैं मौजूद हूँ रांची के राजभवन के समीप में, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र यहाँ बैठे हुए, ये 14वें वित्त आयोग के छात्र है जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले ये लोग बिरसा चौक पे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब ये लोगों को सरकार के द्वारा वहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पे ये लोग राजभवन के पास लगभग 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई भी प्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं पहुँचे हैं। लेकिन आप दूसरे तरफ देख सकते हैं कि सरकार का एक दल, राजनेता, मंत्री समेत कई कार्यकर्ता यहाँ पे कांग्रेस के पहुँचे हैं और ये लोग केंद्र सरकार को घेरने का कोशिश कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर के। इन लोगों के पास इतना समय है कि ये लोग केंद्र सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है ये लोगों के पास कि ये लोग छात्र से आ करके मिल सके। तो ये कैसी राजनीति है? आप देख सकते हैं कि जब ये लोग नौकरी की नियुक्ति के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी राज्य सरकार के तरफ से कोई मंत्री प्रतिनिधि यहाँ पे इन लोगों से मिलने इतने दिन में नहीं पहुँचे हैं। वो छात्र यहाँ पे हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। जब आप लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं तो इन लोगों के पास समय नहीं है, कोई विधायक मंत्री आप लोगों से मिलने नहीं पहुँचते हैं, लेकिन ये लोगों को केंद्र सरकार को घेरने का समय है। हम लोग मैडम संतान अठानी हो रहा, जितना भी विधायक आए मंत्री आए, लेकिन हम लोग को आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग का बात को गंभीरता लिया गया है, लेकिन गंभीरता क्या चीज़ का लिया गया है? अभी तो नोटिफिकेशन के निकाल रहा है कि नया वैकेंसी निकालेगा, नया वैकेंसी कैसे निकालेगा? हम लोग तो 4 साल सेवा दे चुके हैं, सेवा दे के यही उसी पोस्ट में अगर दोबारा निकाला जाएगा तो हम लोग का क्या, हम लोग का 4 साल तो इतना ज़िंदगी बर्बाद हो गया कि हम लोग का कोई जरा नहीं, इसलिए इतना दिन से आश्वासन नहीं दिया जा रहा। इसलिए बीच में 2-4 मंत्री भी आए थे, बोल रहे कि आप लोग का 2-4 दिन टाइम दीजिए, आप लोग का सॉल्व हो रहा, लेकिन सॉल्व अभी तक हो ही नहीं रहा। लेकिन हम लोग इसलिए अभी आंदोलन में ही रहेंगे, जब तो हम लोग का ठोस कदम नहीं लेने ली जाएगी सरकार, तब तो हम आंदोलन में ही रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई मंत्री भी पहुँच रहे हैं, तो क्या आप लोग अपनी ओर से वार्ता करने की कोशिश करेंगे? खैर, ये लोग तो दूसरे मुद्दे को लेकर यहाँ पे जमा हुआ है, आप लोगों से मिलने का समय नहीं है ये लोगों के पास, फिर भी क्या आप लोग वार्ता करेंगे? वार्ता करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, अगर सरकार चाहेगी तो हम लोग के लिए वार्ता क्या ठोस निर्णय लेगी, नहीं तो क्या नया वैकेंसी तो हम लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? कुछ एज भी एक्सपायर कर गया तो वो लोग क्या करेंगे? हम लोग साथीगण कुछ के 50% एज क्रॉस कर गए हैं, वो क्या करेंगे? इतना कोरोना काल में इतना हम लोग बढ़ चढ़ के हम लोग काम किए, अभी अचानक हम लोग को रास्ता दिखा दे रहा बाहर का, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि वार्ता करने के लिए कि यहाँ पे आए हैं विधायकगण आए हैं कांग्रेस का, तो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग से बात करेंगे तो अच्छी बात है, बात करने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। पहले बिरसा चौक पे ये लोग आंदोलन कर चुके हैं, अब यहाँ पे 15 दिनों से रांची के राजभवन में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस ठंड में रात बिरात में भी ये लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। आप किसान के बारे में इतना मिलकर काम कर रहे हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन झारखंड के जो मजदूर किसान हैं, उनके जो बेटे हैं सरकारी नौकरी के लिए अर्जी लगाए हुए हैं, वो भी यहाँ पर धरना कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कब मिलेगी, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी होगी? यहाँ पर आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं दाएं बाएं सब तरफ लगातार वो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ की सरकार क्यों नहीं सोचती और उनका साथ अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा आपके जैसे नेताओं को?
नहीं नहीं बिल्कुल उनका साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, बहुत सारे चीज़ इंटरनल बैठक हुई है, आने वाले दिन में इनको जो चीज़ें हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। पार्टी फॉर्म में इस पर बातचीत हो रही है, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग प्रदेश स्तर पर ये मामले को गंभीरता से देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ जब तक सामने नहीं आता तब तक उसको सामने लाना उचित नहीं है, क्योंकि इनके कई एक समस्या है, राज्य में कुछ समस्या है, और उन समस्याओं को कांग्रेस पार्टी और विशेषकर हमारे जो गठबंधन की सरकार इस पर काफ़ी गंभीर है, और आने वाले दिन में इसका रिजल्ट सामने दिखाई देगा। जो विगत सरकार के द्वारा जो 14वें वित्त वालों के जो पंचायती राज कर्मी लोगों का या और लोगों का बहाली अनान फनान बिना नियमावली को सही तरीके से बनाए हुए जो बहाली करके आज स्थिति पैदा कर दिया है, एक तरफ से समझ लीजिए कि उसकी नियमावली जो है एक अराजकता फैलाने वाले टाइप का रहा है। आज इसको सरकार एक एक चीज़ों को, चूँकि पूरे चीज़ों को उधेड़बुन करके रख दिया है पहले की सरकार, ये सरकार पूरे बारीकी से पूरा नियमावली को ध्यान में रखते हुए इसके लिए परमानेंट समाधान निकालना चाहती है। अभी केवल आनान फनान में अगर इनको आप पेन किलर दे देंगे तो ये कठिनाई हो जाएगा बता रहे, इसलिए सरकार हमारी जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी है और हमारे यहाँ सारे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, ये लोग इस पर पूरी गंभीरता से इस पर चिंताएँ कर रही है और कुछ कुछ बातें हो रही है इस पर और कुछ लगे भी हुए हैं। आने वाले दिन में ये जो तरह तरह का जो हमारे जो आंदोलन हो रहा है, ये सारे आंदोलन को बिल्कुल तरीके से इसको ठीक कर दिया जाएगा, और इस सब बिल्कुल ये बात सारी बात सदन में निश्चित रूप से सदन में ये तमाम चीज़ें उठेंगी, चूँकि ये बेरोजगारों का सवाल है, ये लोग काम कर चुके हैं, इसलिए इनका बात को उठाना लाजमी है।